हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस की श्रृंखला। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे आर सी ई पी के बारे में, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के बारे में। ठीक है, इस संगठन को देख चुके थे। अब इसमें बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। याद रखना, यूएन की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है ये। इसमें सरकारों, नियोक्ताओं और मजदूरों शामिल हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 29 अक्टूबर 1919 को। और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 187 देश इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखना है, यूएन की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसके सदस्य देशों की संख्या 187। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी वर्साय संधि के दौरान सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर। ठीक है, आईएलओ के मिशनों की बात करें तो इसके मिशन में शामिल है सभी महिलाओं पुरुषों को सामान्य कार्यों को बढ़ावा देना, श्रम मानकों की स्थापना, नीतियों का विकास, कार्यक्रमों को तैयार करना सभी महिलाओं पुरुषों के लिए। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो सम्माननीय कार्य एजेंडा के चार रणनीतिक लक्ष्य के काम में मानकों, मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों को स्थापित एवं बढ़ावा देना, समुचित आय के साथ रोजगार के अवसर पैदा करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के कवरेज में इजाफा करना और त्रिपक्षीय वार्ता को मजबूत देना। वर्क एजेंडा की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य, 8 उद्देश्य इसका क्या है, सतत विकास लक्ष्य का जो 8 उद्देश्य है वही है निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, सभी के लिए रोजगार इसका एजेंडा है। ठीक, आगे बात करते हैं भारत द्वारा आईएलओ के 138 और 182 अभी समय का अनुमोदन किया गया है। याद रखना, ये दोनों आपकी बाल श्रम से संबंधित हैं, आपको पता होना चाहिए। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है आईएलओ, ये 2 रिपोर्ट जारी करता है, फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट और ग्लोबल वेज रिपोर्ट। याद रखना, पूछ लेता है कि डब्ल्यूएलओ कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है तो आपको बता देना। तो ये था आपका आईएलओ। अब आगे हम लोग बात करेंगे सार्क के बारे में। ठीक है,